इस वीडियो में आप जानेंगे कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल आर्मी का ऑनरी जनरल क्यों बनाया जा रहा है और ये रैंक क्या होता है और इसका फायदा क्या है और साथ में भारत और नेपाल के मिलिट्री रिलेशंस के बारे में भी आप जानेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन मित्र चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शुरू करते हैं भारत और नेपाल के मिलिट्री रिलेशंस के साथ। नेपाल और भारत सरकार के बीच के संबंधों में उतार चढ़ाव होता रहा है। जैसे 2015 में नेपाल के इकोनॉमिक ब्लॉकेड के दौरान भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए थे और फिर हाल ही में कालापानी लिपुलेक और लिम्पियाधुरा के बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भारत और नेपाल के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। फिर भारत और नेपाल के कुछ लोगों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं, खास करके सीमा विवाद के कारण। लेकिन इन सब से हटकर और कई घटनाओं के बावजूद अगर कोई संबंध सबसे मजबूत रहा है तो वो है भारत और नेपाल के बीच के सैन्य संबंध। इतने अच्छे इंडिया नेपाल मिलिट्री रिलेशन का मुख्य कारण है इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट्स, जिसमें 30,000 से ज्यादा नेपाली गोरखा अपनी सेवा दे रहे हैं। इंडिया नेपाल मिलिट्री रिलेशन इसलिए भी गहरे हो जाते हैं क्योंकि नेपाल से चुनिंदा आर्मी ऑफिसर्स इंडिया में आकर इंडिया के मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग लेते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छी खासी पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। और साथ में नेपाल आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हथियार इंडिया से ही जाते हैं और इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी साथ में सूर्य किरण नाम से रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। अब बात करते हैं ऑनरी जनरल का रैंक क्या होता है। तो बता दूं कि ये एक सेरेमोनियल रैंक है उनके सम्मान में दिया हुआ, जिसमें उनको नेपाल के आर्मी जनरल का कोई काम नहीं करना होता है और ना ही उनको नेपाल के आर्मी का कोई कमांड मिलता है और ना ही कोई सैलरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनरी जनरल बन जाने पर वो नेपाल के आर्मी को कमांड कर सकते हैं, वो कमांड नहीं कर सकते, लेकिन उनको सम्मान नेपाल के आर्मी के जनरल के बराबर मिलेगा। सचिन तेंदुलकर को भी इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन का रैंक दिया गया है और महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। तो ये मात्र एक सम्मान में दिया हुआ सेरेमोनियल रैंक होता है और इंडियन आर्मी चीफ को नेपाल के ऑनरी जनरल का रैंक इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रथा 1950 में शुरू हुआ था, जब पहली बार इंडियन आर्मी जनरल के एम करियप्पा नेपाल विजिट पर गए थे और उनसे ही इसकी शुरुआत हुई थी। तब से भारत और नेपाल के आर्मी चीफ को एक दूसरे के आर्मी में ऑनरी जनरल का रैंक दिया जाता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आर्मी चीफ के टेन्योर के दौरान ये रैंक कभी भी दिया जा सकता है। और नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा को जनवरी 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंडियन आर्मी के ऑनरी जनरल की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा ऑलरेडी इंडियन आर्मी के ऑनरी जनरल हैं। आखिर में अगर फायदे की बात करें तो इस परंपरा की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर रहते हैं, जो दोनों देशों के लिए और लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद।